नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे भारत की जलवायु के बारे में, जलवायु के संदर्भ में बातचीत करेंगे। इससे पहले दो चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं, सबसे पहले उसको पीछे वाली क्लासें देखनी है, ताकि एक क्रम आपके समझ में आए, क्वेश्चनों का पैटर्न आपके समझ में आए, कंटेंट समझ में आए, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था नामकरण के बारे में, भारत की स्थिति विस्तार हमने देखा, भारत के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करी, अन्य देशों के साथ उसकी तुलना करी थी। उसके अलावा हमने भारत की जलीय सीमा देखी, तटीय सीमा देखी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखी, पड़ोसी देश देखे। उसके अलावा हमने भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट विविध तथ्य थे वो हमने देखे। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में हमने भारत के भौतिक प्रदेशों की चर्चा की, जिसमें हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देखा, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय देखा, हिमालय शिवालिका, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ वो देखी। उसके बाद में उत्तर के विशाल मैदान की चर्चा की, असम, ब्रह्मपुत्र का मैदान देखा, गंगा का मैदान देखा, और उसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार की हमने चर्चा की, जिसमें भारत के महत्वपूर्ण जो पठार आते हैं वो पठार हमने देखे। पठार के अलावा दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, पर्वत शिखर हैं, चोटियां हैं, वो सारी चर्चा हमने करी। तटीय मैदानों के बारे में देखा, जिसमें हमने तटीय मैदान देखे, उसके आसपास स्थित बंदरगाहों की चर्चा हमने करी दोस्तों। उसके अलावा नेक्स्ट हमने द्वीप समूहों के बारे में चर्चा करी, जिसमें हमने अरब सागर के द्वीप देखे, बंगाल की खाड़ी के द्वीप देखे, और उसके अलावा कुछ तटीय द्वीपों की हमने चर्चा करी। अब तटीय द्वीपों की चर्चा करी, जिसमें चाहे अब्दुल कलाम द्वीप हो, चाहे व्हीलर द्वीप हो, चाहे सैलसेट द्वीप हो, केडियाबेट द्वीप हो, वो सारी चीज़ें हम अभी तक की जो लास्ट क्लासें अपनी हुई हैं उसमें हम देख चुके हैं दोस्तों। तो जिस किसी विद्यार्थी ने वो क्लासें नहीं देखी हैं, तो सबसे पहले वो क्लासें आपको देखनी है। सारी क्लासें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा प्लेलिस्ट का लिंक आई बेल में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और वैसे भी अगर आप यूट्यूब में जाके प्लेलिस्ट में जाके देखते हैं, आरपीएफ ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आज हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं भारत की जलवायु के संदर्भ में, कि भारत की जलवायु से क्या अपने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो उन सभी की हम चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 3 रहेगा, आप हेडिंग डालें जलवायु, हेडिंग डालने सभी विद्यार्थी जलवायु के बाद में हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम जब चर्चा कर रहे हैं जलवायु की, हम अध्ययन कर रहे हैं जलवायु के बारे में, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जलवायु क्या, जलवायु का अध्ययन क्या कहलाता है, पहला पॉइंट, पहला फैक्ट अपना। तो दोस्तों, जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। जलवायु का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, जलवायु का अध्ययन तो आपको याद रखना है क्या कहलाएगा, जलवायु का अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है दोस्तों, जलवायु का अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, भारत की जलवायु कैसी है, हम चर्चा करेंगे डिटेल में, चीज़ों की चर्चा करेंगे। एक बार हम एक दो फैक्ट देखते हैं जो सीधे आपको याद होने चाहिए, जो अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बाकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे सारी चीज़ों की। आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों भारत की जलवायु के बारे में, भारत की जलवायु, और आपसे पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों, तो आप सभी को शायद पता हो तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी रहेगी दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भारत की जलवायु है अधिकांश किस पे डिपेंड है, मानसून के ऊपर डिपेंड करती है, अधिकांश जलवायु मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए मानसून, भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु होने के कारण
भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को किस उपनाम से जाना जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, चार ऑप्शन देके, और एक ऑप्शन उसमें आपको मिलेगा कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, या आपसे दोस्तों पूछ सकता है असत्य का चयन कीजिए या सही कथन का चयन कीजिए, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है दोस्तों, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु होने के कारण, मानसूनी जलवायु होने के कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ कहा जाता है। ये कथन है दोस्तों, आपसे दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा एक दूसरा कथन क्या है कि जैसे कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, और भारतीय कृषि किस पे डिपेंड करती है, मानसून पे डिपेंड करती है। इसी कारण कहा जाता है कि मानसून वह धुरी है जिसके चारों ओर अधिकांश भारतीय अर्थव्यवस्था घूमती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश भारत को माना जाता है, और भारत की कृषि किसके ऊपर डिपेंड है, जलवायु पे, मानसून पे डिपेंड है, और मानसून पे डिपेंड होने के कारण भारत की जो अधिकांश अर्थव्यवस्था है उसको क्या कहा जाता है कि भारत की अधिकांश जो अर्थव्यवस्था है वो मानसून के चारों तरफ घूमती है। यानी कि एक कथन आपको दूसरा क्या याद रखना है दोस्तों कि मानसून वह धुरी है, यहां पे नोट करें आप, ये अपना पहला कथन हो गया। दूसरा कथन दोस्तों एक आपको याद रखना है कि इसी कारण कहा जाता है कि मानसून वह अक्ष है, मानसून वह अक्ष या यूं कहें कि वह धुरी है जिसके चारों ओर अधिकांश भारतीय अर्थव्यवस्था अधिकांश भारतीय अर्थव्यवस्था घूमती है। ये दो कथन आपको याद रखने हैं, असत्य और सत्य के चयन में आजकल पूछे जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, तीन चीजें हमने देखी, जलवायु का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्तों, जलवायु का अध्ययन कहलाता है क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। भारत की जलवायु की बात करें तो आपको याद रखना है कैसी हो जाएगी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाएगी भारत की जलवायु, क्योंकि मानसून पे डिपेंड कर रही है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, और अधिकांश भारतीय अर्थव्यवस्था किसके आसपास घूमती है, तो आपको याद रखना है मानसून के आसपास घूमती है, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं जलवायु के बारे में, हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों, हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, जलवायु की, और जलवायु की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं भारत की जलवायु की। तो जलवायु से क्या तात्पर्य रहेगा दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि जलवायु से तात्पर्य रहेगा किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालीन दशाएं, कैसी दशाएं, तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा आदि संबंधित जो दशाएं हैं वो दशाएं क्या कहलाती हैं, जलवायु कहलाती हैं।
क्या याद रखना है कि किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु में किसी क्षेत्र विशेष की किसी क्षेत्र विशेष की या फिर यूं कहें कि वायुमंडल की क्षेत्र विशेष की या वायुमंडल की क्षेत्र विशेष की या वायुमंडल की ताप दाब आर्द्रता वर्षा संबंधी ताप दाब ताप दाब आर्द्रता वर्षा आदि संबंधी किसी क्षेत्र विशेष की ताप दाब आर्द्रता वर्षा आदि संबंधित दीर्घकालीन जो दशाएं हैं आदि संबंधित दीर्घकालीन दशाएं आगे चर्चा करेंगे। एक बार आप देखें संबंधित दीर्घकालीन दशाएं दीर्घकालीन दशाएं जलवायु कहलाती हैं। दीर्घकालीन दशाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? जलवायु कहलाती है। हम बात करें किसी क्षेत्र विशेष की, यहां पे बात हो रही है तो ये क्षेत्र विशेष है। हम बात करेंगे कौन से क्षेत्र विशेष की, जो भारत का भूभाग है, भारत के इस भूखंड की हम यहां पे बात करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में जो भी तापमान यानी कि भारत के इस एरिया में तापमान ताप आर्द्रता जलवायु ताप आर्द्रता वर्षा संबंधित जो भी दशाएं हैं उन दशाओं का दीर्घकालीन जो अध्ययन किया जाता है, दीर्घकालीन अध्ययन मतलब कितना, लगभग 30 से 31 साल का समय इसमें माना जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वैसे काफ़ी सारी बुकों में 50 साल का माना जाता है, लगभग 49-50 साल माने जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार कितना समय यहाँ पे माना जाता है तो आपको दोस्तों याद रखना है 30 से 31 वर्ष की दशाएँ हमें याद रखनी है। 30 से 31 वर्ष की दशाएँ क्या कहलाती हैं? जलवायु कहलाती हैं। यानी कि इस भूभाग में इस भूखंड में लगभग 30 से 31 वर्षों में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा इसमें तापमान में दाब में आर्द्रता में वर्षा में, यानी कि 30 साल का अध्ययन यहां पे किया जाएगा। ठीक है, तो आप जलवायु की ये परिभाषा नोट कर सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष की या वायुमंडल की ताप दाब आर्द्रता वर्षा आदि संबंधित दीर्घकालीन अवस्था क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। यहां पे नोट करें जिसमें लगभग 30 वर्ष में हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वे परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, जलवायु की। तो जब हम जलवायु की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे 2-3 वर्ड हमारे पास में आएंगे बार बार, जलवायु मौसम जलवायु मौसम और ऋतु संबंधित वर्ड हमारे यहाँ पे आएंगे। चलिए एक बार तीनों को हम यहाँ पे देखते हैं। एक हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, जलवायु की। दूसरा क्या देखेंगे, मौसम, जलवायु मौसम। और तीसरा हम यहाँ पे क्या देखेंगे दोस्तों, ऋतुओं के बारे में हम क्या देखेंगे, ऋतु। इन तीनों में अंतर की बात करें, तीनों में ही किसका अध्ययन होता है, ताप दाब वर्षा आर्द्रता से संबंधित दशाओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करें जलवायु की, तो ये जो जलवायु है ये एक दीर्घकालीन अवस्था है। जलवायु कैसी है दोस्तों, दीर्घकालीन अवस्था है। जलवायु कैसी अवस्था है दोस्तों, दीर्घकालीन अवस्था है। लेकिन यहाँ पे मौसम की बात करें, हम वेदर की बात करें तो ये कैसी है दोस्तों, आपको याद रखना है ये एक क्षणिक अवस्था है।
ये एक क्षणिक अवस्था है। मौसम क्या है? एक क्षणिक अवस्था है। और ऋतुओं की बात करें तो ऋतु कैसी अवस्था है? एक वर्ष से कम का कालखंड की इसके अंतर्गत आता है। एक वर्ष से कम का कालखंड, यानी कि कितना टाइम पीरियड काउंट किया जाता है ऋतु में? कम से कम एक वर्ष से कम का समय इसमें रहता है। मैक्सिमम 3 से 4 माह इसमें काउंट किए जाते हैं दोस्तों। जैसे कि बात करें दीर्घकालीन अवस्था हमने यहाँ पे बताई, तो यहाँ पे जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जलवायु परिवर्तन कितने समय में देखने को मिलता है? जलवायु परिवर्तन की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जैसा कि अभी हमने बताया था, लगभग 30 से 31 वर्ष में देखने को मिलता है। कितने समय में देखने को मिलेगा जलवायु परिवर्तन? 30 से 31 वर्ष में। जैसा कि मौसम के बारे में यहाँ पे बताया, मौसम क्या है? एक क्षणिक अवस्था है। तो मौसम परिवर्तन की बात करें, इस मौसम परिवर्तन की यहाँ पे बात करें तो मौसम परिवर्तन कब देखने को मिलेगा दोस्तों? तो आपको याद रखना है, आपको मालूम भी होगा कि मौसम एक मिनट में भी बदल सकता है, एक घंटे में भी बदल सकता है, एक दिन में भी बदल सकता है, तो एक माह में, एक सप्ताह में भी बदल सकता है। तो मौसम परिवर्तन की जो घटना है वो एक मिनट में भी हो सकती है, मौसम परिवर्तन की घटना एक मिनट में भी हो सकती है, एक घंटे में भी हो सकती है, एक दिन में भी हो सकती है दोस्तों, एक सप्ताह में भी हो सकती है, एक सप्ताह में भी हो सकती है, एक माह में भी हो सकती है। ठीक है, तो मौसम परिवर्तन क्या है? एक क्षणिक अवस्था है, कभी भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले साफ मौसम है, थोड़ी देर बाद में अगर हम देखते हैं 20-30 मिनट बाद या आधे घंटे बाद हम देखते हैं तो बहुत तेज वर्षा हो रही है, कभी थोड़ी देर में साफ मौसम है तो धूल भरी आंधियां चलने लग जाती हैं, इस तरीके से। और ऋतुओं की बात करें तो ऋतु परिवर्तन की इधर हम बात करें, ऋतु परिवर्तन की बात करें तो ये ऋतु परिवर्तन कितने समय में देखने को मिलता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है 3 से 4 माह में, 3 से 4 माह में ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। ये 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं, इन्हें आप नोट कर लें एक टेबल बना के, इस तरीके से आप एक टेबल बना लें और उसमें नोट करें, एक साइड में लिखें जलवायु, दूसरी साइड में मौसम और एक साइड में आप लिखें ऋतु के बारे में। जलवायु के लिए आप नोट करें कि जलवायु क्या है? एक दीर्घकालीन अवस्था है जिसमें जलवायु परिवर्तन का जो अध्ययन किया जाता है। तो कितने समय में जलवायु परिवर्तन होता है? तो आप नोट करें 30 से 31 वर्ष। मौसम की बात करें तो एक क्षणिक अवस्था है, मौसम परिवर्तन एक मिनट में भी हो सकता है, घंटे और एक दिन माह में भी हो सकता है। और उधर नोट करें कि ऋतु एक वर्ष से कम का अध्ययन और ऋतु परिवर्तन 3 से 4 माह में भी हो सकता है दोस्तों। तो ये इतना एक बार आप नोट करें, उसके बाद में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि जब हम क्षेत्र विशेष की यहां पे बात कर रहे हैं कि इस क्षेत्र विशेष में अगर जलवायु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है या फिर मौसम का परिवर्तन होता है, तो ये जो भी परिवर्तन दोस्तों हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे किसी भी क्षेत्र विशेष में, तो वो किसके कारण देखने को मिलते हैं? तो वो जो परिवर्तन होते हैं पृथ्वी की गतियों के आधार पर होते हैं। सभी परिवर्तन, जो भी परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे, पृथ्वी की गति के ऊपर निर्भर करते हैं कि पृथ्वी की 2 तरीके की गति होती है, एक होती है घूर्णन गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति। घूर्णन गति या परिक्रमण गति की बात करें, घूर्णन गति क्या हो जाएगी? पृथ्वी जब अपने स्वयं के अक्ष पर घूमती है, रोटेशनल स्पीड पृथ्वी की हम देखते हैं, जब पृथ्वी अपने स्वयं के अक्ष पर घूमती है दोस्तों तो वो क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। परिक्रमण गति की बात करें तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है दोस्तों, तो वो क्या कहलाती है? परिक्रमण गति कहलाती है। इन्हीं दोनों गतियों के आधार पर मौसम परिवर्तन होता है, इन्हीं के आधार पर दिन रात की घटना देखने को मिलती है दोस्तों। तो एक नेक्स्ट हेडिंग डालें आप उसके बाद में, सबसे पहले आपको ये 3-4 पॉइंट नोट करने हैं, उसके बाद में आप एक हेडिंग डालें, एक पॉइंट नोट करें कि किसी क्षेत्र विशेष में
क्षेत्र विशेष में होने वाली ऋतु परिवर्तन किसी क्षेत्र विशेष में होने वाला ऋतु परिवर्तन मौसम परिवर्तन ऋतु परिवर्तन मौसम परिवर्तन या फिर दिन रात की जो घटना है दिन रात परिवर्तन या फिर दिन रात परिवर्तन या फिर दिन रात परिवर्तन आदि की घटनाएं दिन रात परिवर्तन आदि घटनाएं आदि की घटनाएं मुख्य रूप से पृथ्वी की गतियों पर निर्भर करती हैं मुख्य रूप से पृथ्वी की गतियों पर पृथ्वी की गतियों पर निर्भर करती हैं पृथ्वी की गतियों पर निर्भर करती हैं। तो यहां पर एक बार हम देखेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी की जैसा कि हमने यहां पे दो गतियां बताई, क्या बताया, पृथ्वी की गति पे निर्भर करती है। तो यहां पे बात करें पृथ्वी की गतियां, और पृथ्वी की ये गतियां देखें तो क्या बताई, यहां पे पृथ्वी की दो तरीके की गति होती है। एक तो कैसी हो जाएगी, घूर्णन गति, और दूसरी यहां पे हम देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी, परिक्रमण गति, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति पर, घूर्णन या परिभ्रमण गति। घूर्णन या परिभ्रमण गति रोटेशनल स्पीड इसको कहते हैं, और इधर हम बात करें कौन सी, परिक्रमण गति, ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों, परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। इस देखिए इन दोनों की बात करें, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति क्या हो जाएगी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये क्या होती है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है दोस्तों, घूर्णन या परिभ्रमण गति कहलाता है। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना या परिक्रमा करना क्या कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाना, चारों ओर परिक्रमा लगाना या परिक्रमण करना एक ही बात है, तो वो क्या कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इधर हम बात करें पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो इस पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण कौन सी घटना होती है दोस्तों, और इधर जो परिक्रमण गति जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो कौन सी घटना होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखना है आपको कि जब पृथ्वी अपने स्वयं के अक्ष पर घूमती है तो दिन रात परिवर्तन की घटना होती है, कौन सी घटना होती है दोस्तों, दिन रात परिवर्तन की घटना, दिन रात परिवर्तन की घटना, दिन रात परिवर्तन की घटना होती है कब, जब पृथ्वी स्वयं के अक्ष पर घूमती है। और इधर हम बात करें परिक्रमण की, यानी कि सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है तो कौन सी घटना होती है, तो यहां पे एक घटना होती है मौसम परिवर्तन की, कौन सी घटना होती है दोस्तों, मौसम परिवर्तन की। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, याद रखना है कि दिन रात कौन सी गति के कारण बनते हैं और मौसम परिवर्तन कौन सी गति के कारण होता है।
यहाँ तक एक बार आप नोट कर लें, जैसे कि पृथ्वी के घूर्णन काल की बात करें, परिभ्रमण काल की अगर बात करें तो लगभग कितना माना जाता है, लगभग 24 घंटे माना जाता है, और उधर अगर हम बात करें तो लगभग 27.5 दिन के आसपास ये माना जाता है। तो ये चीज़ें आप नोट करें पृथ्वी की गतियों तक, यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे जलवायु पर, कि जो भारत की जो जलवायु है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन सभी की दोस्तों हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इतना एक बार आप नोट कर लें फटाफट से। और नेक्स्ट हेडिंग डालें कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हेडिंग डालने, फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट। चलिए देखिए दोस्तों, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो मुख्य मुख्य कारक है, जैसे कि हम देखें कि अक्षांशीय विस्तार हो गया, समुद्र से दूरी हो गई, समुद्र तल से ऊंचाई हो गई, उसके अलावा पर्वतों और उच्चावचों की स्थिति हो गई दोस्तों, ऊपरी वायु परिसंचरण की घटना हो गई, उसके अलावा जल व स्थल का जो वितरण है वो हो गया, उसके अलावा चक्रवात हो गए। ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो उनमें से कुछ जो मुख्य मुख्य कारक हैं उनकी एक बार हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। जैसे कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में देखें तो एक आपको याद रखना है दोस्तों कि कौन सा बताया, सबसे पहला अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति हो गई। उसके अलावा दूसरा देखें तो समुद्र से दूरी हो गई, समुद्र से दूरी हो गई। तीसरे की अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों तो तीसरा कौन सा, समुद्र तल से ऊंचाई हो गई, समुद्र तल से ऊंचाई हो गई। चौथे कारक की यहाँ पे बात करें तो पर्वतों की स्थिति, पर्वतों व उच्चावचों की स्थिति। पर्वतों की स्थिति भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। उसके अलावा दोस्तों हम देखें ऊपरी वायु परिसंचरण की घटना, ऊपरी वायु परिसंचरण की घटना। उसके अलावा देखें तो जल व स्थल का वितरण, जल व स्थल का वितरण हो गया, चक्रवात हो गए, चक्रवात हो गए। उसके अलावा ताप दाब आर्द्रता, काफी सारी चीजें हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। लेकिन जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखें अक्षांशीय विस्तार के बारे में, अगर हम देखें भारत में
जब भारत की बात करते हैं तो भारत कहां पर स्थित है, कौन से गोलार्ध में है, तो सभी को पता है भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और जब बात करते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की, तो जो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये कहां से गुजरती है, भारत के मध्य से। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, इस कारण से उत्तर में जो स्थित कटिबंध है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित जो कटिबंध है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है दोस्तों। और दक्षिण वाले की बात करें तो दक्षिण का जो हिस्सा है ये किसके पास में आता है, उष्ण कटिबंध। ये किस में आता है दोस्तों, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। भारत की इधर से बात करें, दक्षिण भारत की बात करें तो भूमध्य रेखा से पास में स्थित है। भूमध्य रेखा के पास स्थित होने के कारण जो दक्षिण भारत का जो तापांतर है वो न्यूनतम बना रहता है, जिसके कारण इधर की जलवायु की बात करें तो सम जलवायु पाई जाती है। लेकिन दूसरी ओर उत्तर भारत की अगर हम यहाँ पे बात करें तो भूमध्य रेखा से अधिक दूरी होने के कारण वहाँ पर तापांतर अधिक बना रहता है, अधिक तापांतर हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण वहाँ की जलवायु की बात करें तो विषम जलवायु देखने को हमें मिलती है उत्तर भारत में। तो इस तरीके से अक्षांश एवं देशांतर प्रभावित करते हैं जलवायु को। दूसरा, समुद्र से दूरी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो हवा है या मानसूनी पवने हैं उसमें आर्द्रता घटती जाएगी, शुष्कता बढ़ती जाएगी, जिसके कारण उस क्षेत्र में जो पर्याप्त जो वर्षा होनी चाहिए उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, यानी कि समुद्र से दूर जाने पे शुष्कता बढ़ती जाती है। इस कारण हमें विषम जलवायु उस क्षेत्र में देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें राजस्थान के जैसलमेर में औसत वर्षा, बात करें समुद्र से दूरी के कारण यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा होती है 5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पे बात करें हम पश्चिमी घाट के आसपास, इधर जो वर्षा है वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? क्यों यहाँ पर देखें तो समुद्र से नज़दीक दूरी है और यहाँ से जो मानसूनी पवने आती हैं तो उसमें उचित और पर्याप्त क्या आर्द्रता पाई जाती है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ तक मानसूनी पवने पहुँचती हैं तो आर्द्रता कम हो जाती है, शुष्कता बढ़ जाती है, जिससे पर्याप्त जल की पूर्ति वहाँ पर नहीं हो पाती है। दूसरा, हम देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई की बात। जैसे ही समुद्र तल से हम ऊंचाई पर जाएंगे, समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर या पर्वतों से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी देखने को मिलती है। क्या बताया? समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है दोस्तों वो डाउन होता चला जाएगा। समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, और कितना डाउन होता है ये आपको याद रखना है, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर चलने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है दोस्तों, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि प्रत्येक 1000 मीटर ऊपर चलने पर जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन आ जाता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन आ जाता है दोस्तों। इसी कारण से हम ऊंचे पर्वतों की बात करें, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो हिमालय पर्वत का जो ऊंचाई वाला जो भाग है उसमें वर्ष भर जो बर्फ जमी रहती है। किस लिए? क्योंकि जितनी अधिक ऊंचाई पर हम जाएंगे उतना ही टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, जिसके कारण वहां पे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है दोस्तों। और मैदानों की और पर्वतीय प्रदेशों की बात करें तो इसी कारण से, क्योंकि पर्वतीय प्रदेशों में ऊंचाई बढ़ रही है और टेम्परेचर डाउन है, इसी कारण से मैदानों की ऊंचाई की बात करें कम रहती है, तो मैदान अधिक गर्म रहते हैं और पर्वतों की बात करें तो अधिक ठंडे रहते हैं। यही कारण है कि ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर डाउन होता है, और ये किसको प्रभावित करता है? जलवायु को प्रभावित करता है दोस्तों।
इसी तरीके से पर्वतों की स्थिति की यहाँ पे बात करें, पर्वतों की स्थिति किस तरीके से भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है, तो जैसा कि इधर हम देखते हैं पर्वतों की स्थिति के बारे में जब हम देखते हैं तो अरावली की जो स्थिति है कुछ इस तरीके से रहती है, पश्चिमी घाट की स्थिति की बात करें तो कुछ इस तरीके से रहती है। तो ये किस तरीके से प्रभावित करेगी कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जब आगमन होता है तो पश्चिमी घाट की जो ये श्रृंखलाएं हैं ये इसके समकोण पर स्थित है, पश्चिमी घाट की जो श्रृंखला है वो समकोण पर स्थित है, जिसके कारण ये मानसूनी पवने इससे टकराकर इस वाले क्षेत्र में, मालाबार वाले तट के क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा करती है। दूसरी ओर इसका जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, क्योंकि इस क्षेत्र में यानी कि पहाड़ के उस साइड में हम देखें तो मानसूनी पवने पहुंच ही नहीं पाती है, मानसूनी पवने उस क्षेत्र में पहुंच ही नहीं पाती हैं दोस्तों, ये जिसके कारण ये वर्षा से वंचित रह जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र वाला क्षेत्र वर्षा से वंचित रह जाता है। इसी तरीके से जब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पवने यहां से राजस्थान गुजरात से इधर प्रवेश करती है तो अरावली की जो स्थिति है ये अरावली की दिग स्थिति है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो शाखा यहां से गुजरेगी उसके समानांतर इसकी स्थिति है, यानी कि कोई अवरोध पैदा नहीं करेगी मानसूनी पवनों के बीच में। इसी कारण से यहां से मानसूनी पवने सीधी निकल जाएंगी और सीधी निकलने के बाद में हिमाचल प्रदेश में एक स्थान आता है धर्मशाला, कौन सा धर्मशाला, इस धर्मशाला वाले स्थान में जाके ये वर्षा करती हैं दोस्तों, सीधी धर्मशाला वाले स्थान में जाके वर्षा करती हैं, जिस कारण से जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है वो वर्षा से वंचित रह जाता है, किस कारण से, अरावली की स्थिति के कारण से। तो इस तरीके से अरावली जो है या पर्वत जो है वो जलवायु को प्रभावित करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें जल व स्थल के वितरण के बारे में चर्चा करें तो जल और स्थल की अगर हम तुलना करते हैं तो जो जल है वो स्थल की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी देरी से तो गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है दोस्तों, जिस कारण से वहाँ पे जो तापांतर है विषम देखने को मिलता है, विषम परिस्थितियाँ विषम जलवायु वहाँ पे हमें देखने को मिलती है दोस्तों। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें चक्रवातों की, जैसे बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले और अरब सागर से उठने वाले जो चक्रवात हैं, इन चक्रवातों की वजह से ओडिशा के तट पर, केरल कर्नाटक तमिलनाडु के तट पर भारी भरकम वर्षा देखने को मिलती है, धुआंधार वर्षा देखने को मिलती है इन चक्रवातों के कारण। इस तरीके से ये कुछ जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें से एक पॉइंट आपको ये याद रखना है दोस्तों, ये आप नोट कर सकते हैं कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर चलने पर टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन हो जाता है और इधर 1000 मीटर चलने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो ये एक बात आप नोट कर लें। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे भारत की जो ऋतुएं हैं, ऋतुओं के ऊपर कि जो भारतीय मौसम विभाग ने भारतीय जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया है और आज हम उसी 4 ऋतुओं के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ऋतुएं और जलवायु विभाजित की गई हैं। तो एक बार ये पॉइंट आप नोट करें और उसके बाद में हेडिंग डालें भारत की ऋतुएं। नेक्स्ट पॉइंट डालना है भारत में ऋतुएं। यहाँ पे पॉइंट डालें भारत में ऋतुएं। भारत में ऋतुएं और इसमें पॉइंट नोट करें कि भारतीय मौसम विभाग ने भारतीय जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया है। भारतीय मौसम विभाग ने भारतीय जलवायु को
भारतीय जलवायु को चार ऋतुओं में विभाजित किया है। भारतीय जलवायु को चार ऋतुओं में विभाजित किया है दोस्तों। भारतीय जलवायु को चार ऋतुओं में विभाजित किया है और भारत की इन चार ऋतुओं की बात करें, भारतीय ऋतुओं की हम यहां पे बात करें, चारों ऋतुएं एक बार आप देख लें। ऋतुओं वाला टॉपिक अपना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले हम देखें तो कौन सी आती है, आपको याद रखना है शीत ऋतु। पहली ऋतु कौन सी होती है, शीत ऋतु। दूसरी हम देखें तो रहती है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तीसरी की बात करें तो आती है कौन सी, वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु के बाद में जो चौथी जो रहती है वो रहती है दोस्तों शरद ऋतु। चौथी कौन सी रहती है दोस्तों, शरद ऋतु। इन ऋतुओं की बात करें, शीत ऋतु की बात करें, तो इसका जो समय रहता है वो मध्य दिसंबर से फरवरी, मध्य दिसंबर से कब तक रहता है, मध्य दिसंबर से फरवरी तक, मध्य दिसंबर से फरवरी तक रहता है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें, मार्च से मध्य जून तक रहती है, मार्च से मध्य जून तक। और वर्षा ऋतु की बात करें दोस्तों तो मध्य जून से सितंबर तक आएगी। कहां तक, मध्य जून से सितंबर तक रहती है। और नेक्स्ट हम बात करें शरद ऋतु, तो अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक आ जाएगी, अक्टूबर से कहां से स्टार्ट किया था, मध्य दिसंबर तक। तो भारतीय मौसम विभाग ने भारत की जलवायु को इन चार ऋतुओं में विभाजित किया है। भारतीय मौसम विभाग ने आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम ऋतुओं के बारे में, एक खास पॉइंट और ये याद आपको रखना है कि जो भारत की ऋतुएं हैं उसे चार ऋतुओं में विभाजित किया गया है। राजस्थान के बारे में हम पढ़ते हैं तो तीन ऋतुएं ही पढ़ने को मिलती हैं, हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं तो तीन ऋतुएं ही, लेकिन भारत के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों चार ऋतुओं में विभाजित किया गया है। पहली आपको याद रखनी है शीत ऋतु। इस शीत ऋतु का समय आपको याद रखना है, समय काल इसका याद रखना है, मध्य दिसंबर से फरवरी तक रहता है दोस्तों, मध्य दिसंबर से फरवरी तक समय रहता है शीत ऋतु का। ग्रीष्म ऋतु का समय आपको याद रखना है दोस्तों कि कहाँ पे खत्म होती है, फरवरी तक, ठीक है। यहाँ से मार्च से मध्य जून तक कौन सी ऋतु रहेगी दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु रहेगी। इधर वर्षा ऋतु का भी समय आपको याद रखना है, कब से कब तक, मध्य जून से सितंबर तक इसका समय माना जाता है। और सर्द ऋतु की बात करें तो सर्द ऋतु आपको याद रखनी है, अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक इसका समय रहता है। ये सीधा क्वेश्चन यहाँ से समय से संबंधित पूछा जाता है कि कौन सी ऋतु कब से कब तक रहती है दोस्तों। तो आज के लिए हम कुछ इतना ही रखते हैं, कल की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम चर्चा करेंगे भारत की ऋतुओं के बारे में और भारत की जो जलवायु संबंधी इंपॉर्टेंट और तथ्य बन सकते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे कोपेन के जलवायु से संबंधित चीजें देखेंगे कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसे। तो इस तरीके से बाकी आगे हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप ये दो तीन चीजें आपको यहाँ पे नोट करनी है कि
पृथ्वी की गतियों से संबंधित, ये आप यहां तक की चीजें नोट कर लें दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, भारतीय ऋतुओं की चर्चा करेंगे। सभी दोस्तों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।